अगले साल दो चुनाव ऐसे होने जा रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। एक तो भारत में लोकसभा चुनाव और दूसरा अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो अभी से उम्मीदवारों के नाम सामने आने लगे हैं। इसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम पहले नंबर पर है। ट्रंप को टक्कर देने के लिए कई लोग और सामने आ रहे हैं जिनसे उनके राष्ट्रपति बनने की राह में मुश्किलें होती नजर आ रही है। अब इस लिस्ट में गवर्नर रॉन डिनसेंटिस का नाम भी जुड़ गया है। बुधवार को ही रॉन डिनसेंटिस ने साल 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। बता दें कि रॉन डिनसेंटिस रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी के रूप में उन्हें चुनौती देंगे। इसका खुलासा खुद रॉन डिनसेंटिस ने ट्विटर के सीईओ एलन मस्क के साथ एक ऑनलाइन बातचीत में किया है। फिलहाल डिनसेंटिस को ट्रंप का सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। पिछले काफी समय से उनके राष्ट्रपति चुनाव में प्रवेश की चर्चा हो रही थी जिसकी जानकारी अब सामने आ गई है। ना सिर्फ ट्रंप बल्कि रॉन डिनसेंटिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता राष्ट्रपति जो बाइडेन के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदियों में से एक माना जाता है। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के उम्मीदवार की लिस्ट में इंडियन ओरिजिन की रिपब्लिकन लीडर निकी हैली ने अपनी दावेदारी ठोकी है। निकी रंधावा हैली रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पहली उम्मीदवार हैं। इनके अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस, साउथ कैरोलिना के अमेरिकी सीनेटर टिम स्टॉक, न्यू हैम्पशायर के गवर्नर क्रिस सुनुनु और अरकानसंस के पूर्व गवर्नर हैसा अचिनसन भी इस दौड़ में शामिल है।